ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर परचिंतन करते रहेंगे तो सत्ययुग में कब पहुंचेंगे? हमें तो नीचे सीढ़ी उतरने के लिए कितना जन्म लगे? 84 जन्म, 5000 साल लगे उतरने के लिए, और चढ़ने के लिए कितना जन्म है? एक जन्म। और यह भी नहीं कि एक जन्म में आपको ज्ञान मिला है बचपन में। कब ज्ञान मिला? अभी भी किसी को 10, 12 साल, 15 साल मिला है, और आगे कितना दिन मिलने वाले वो भी कोई भरोसा नहीं है। तो कितना दिन मिलेंगे? 5000 साल उतरने के लिए मिले थे, और इसमें 100 साल भी नहीं है किसी को, मुश्किल से किसी को 40-50 साल मिले। और उसी 40-50 साल में परचिंतन करते रहेंगे, औरों को देखते रहेंगे, तो ऊपर कहां चढ़ेंगे? फिर बीच में लटक जाएंगे फिर। इसलिए एक सेकंड भी हमें किसी को, दूसरों को नहीं देखना है। सीढ़ी चढ़ना ही चलो, चढ़ते चलो, योग करेंगे सीढ़ी चढ़ गई, सेवा करेंगे सीढ़ी चढ़ गई, ज्ञान सुनेंगे सीढ़ी चढ़ गई, अमृत तुला करेंगे सीढ़ी चढ़ गई। परचिंतन क्या, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना, अब यही करते रहेंगे नीचे ऊपर तो थक जाएंगे। इसीलिए परचिंतन से बचना, ये परचिंतन ब्राह्मणों में बहुत बड़ा खतरा है। अगर कोई उल्टी करता है तो हम क्या करते हैं? नाक बंद करके कहते उधर जाओ उधर जाओ, वाशरूम से जाओ। कोई उल्टी करता है, उल्टी को देख करके भी हमें उल्टी आती है, इसीलिए उल्टी करते समय नाक बंद करके उसको भगाते हैं। और कोई भी उल्टी क्यों करता है? जो खाया वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए उल्टी करता है। इसी तरह परचिंतन भी क्या है? उल्टी। जो सारा दिन देखा सुना वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो उल्टी कर रहे हैं। कहां करता है उल्टी? परचिंतन किसमें करता है? कान में। तो कान कोई वाशबेसन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वाशबेसन है, बीच में एक नली भी है। जब किसी को उल्टी आता है, परचिंतन आता है, अपने वाशबेसन को बुलाता है, इधर आओ, मैंने आज वंडरफुल बात देखी, आ जाओ आ जाओ, वो वाशबेसन भी बड़ा खुश होकर आता है, बताओ। हाँ, अगर कोई उल्टी करता है हम उसको भगाते हैं, और यहां कोई उल्टी करता है तो अपने कान को वाशबेसन को आगे करते हैं। जिस कान में ईश्वरीय महावाक्य डाले उसमें अगर निगेटिव बातें डालेंगे तो अमृत भी जहर बन जाएगा। इसलिए आज से हमें किसी की भी निगेटिव बातें ना सुननी है ना सुनानी है।